वेलकम बैक हमने क्लास इलेवेंथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज़ एस पी का चैप्टर फोर स्टार्ट किया था दैट इज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था इस वीडियो में हम प्रोस्पेक्टस ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे सो so, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने देखा था हमें तीन डॉक्यूमेंट्स जो थे उसके बारे में स्टडी करना था इस चैप्टर में दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस सो प्रोस्पेक्टस ये लास्ट डॉक्यूमेंट है जो हमें स्टडी करना है इस चैप्टर का सो so, हमने देखा था जब हमारे हम कंपनी इनकारपोरेट करने जाते हैं दैट इज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हमें ये तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी दैट इज आर ओ सी के पास जाके हमें फाइल करवानी पड़ती है अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और राइट सो प्रोस्पेक्टस ये थर्ड डॉक्यूमेंट है हमने बाकी के दोनों डॉक्यूमेंट्स स्टडी तो कर लिए दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रोस्पेक्टस ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे सो so, प्रोस्पेक्ट्स क्या है तो जनरली प्रोस्पेक्टस क्या होता है एक इनविटेशन कार्ड की तरह ही होता है जिसे देखकर कॉमन पब्लिक जो होती है वो उन्हें पता चलता है कि किसी भी कंपनी ने शेयर्स जो है वो इशू किए हैं तो पब्लिक क्या करेगी इनविटेशन कार्ड दैट इज प्रोस्पेक्ट को देख के शेयर्स जो हैं वो परचेज करेंगी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगी और राइट सो देख लेते हैं प्रोस्पेक्ट क्या है वेन अ पब्लिक कंपनी इज कलेक्टिंग कैपिटल बाई इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक ज टू इश्यू डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस तो जब भी कोई पब्लिक कंपनी जिन्हें कैपिटल कलेक्ट करना है पैसे चाहिए होंगे तो वो शेयर्स इशू करके पैसे क्या कर सकती हैं कलेक्ट कर सकती हैं तो वो शेयर्स जो है वो जनरल कॉमन पब्लिक के लिए इशू करती हैं तो उसके लिए उन्हें एक डॉक्यूमेंट जो है वो इशू करना पड़ता है जिसे हम प्रोस्पेक्टर्स कहते हैं दैट इज़ इट इज़ जस्ट लाइक एन इन्विटेशन कार्ड जिसमें शेयर्स के बारे में कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है जो पब्लिक होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद शेयर्स जो है अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं दैट इज़ कंपनी में पैसे लगा सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कंपनी क्या कर सकती है कैपिटल कलेक्ट कर सकती है और राइट प्रोस्पेक्ट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस आस्पेक्ट्स अबाउट द कंपनी एंड इन्वाइट्स द इन्वेस्टर्स टू बाय द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी तो प्रॉस्पेक्टर्स ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग आस्पेक्ट्स होते हैं कंपनी के और जिससे कंपनी क्या करती है ये एक इनवाइट्स है दैट इज़ एक इनविटेशन कार्ड है जो कि कंपनी ऑफर करती है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किसी भी कॉमन पब्लिक को फॉर परचेजिंग द सिक्योरिटीज तो ये पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टर्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ के उसको स्टडी करके जो भी पब्लिक जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्टेड है कंपनी के शेयर्स परचेस करने में वो आगे कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकता है प्रोस्पेक्टर्स को स्टडी और पढ़ने के बाद और right. आगे देख लेते हैं

और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉरपोरेट सो क्या है प्रोस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू सबसेज ऑफ कंपनीज एक्ट थर्टीन कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें डिस्क्राइब किया गया होता है कंपनी के बारे में कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टर्स जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे कि आर्टिकल थर्टी टू ए रेडियरिंग प्रोस्पेक्टर्स होता है और शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स या तो फिर कोई नोटिस हो सकता है सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट या तो फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एक इनवाइटिंग ऑफर हो कॉमन पब्लिक के लिए जिसे पब्लिक देख के उन्हें पता चल सके कि कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर रही है तो वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ के उसको स्टडी करके जो भी पब्लिक इंटरेस्टेड है कंपनी के शेयर्स परचेज करने में वो प्रोस्पेक्ट्स को देख कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती हैं ऑलराइट तो इट इज़ जस्ट एन जस्ट लाइक एन इन्विटेशन कार्ड फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और राइट सो आगे देख लेते हैं द प्रोस्पेक्ट मस्ट कंटेन ट्रू एंड फैक्चुअल डिस्क्लोजर एज इन्वेस्टर्स डिसाइड टू इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द इफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉस्पेक्टस तो प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू कंपनी शेयर्स सिक्योरिटीज वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड फैक्चुअल होनी चाहिए मतलब सही होनी चाहिए कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर रिलेटेड टू कंपनी या तो फिर कोई भी सिक्योरिटीज़ या शेयर्स के बारे में क्योंकि जो कॉमन पब्लिक होती हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉस्पेक्ट्स को स्टडी करने के बाद उसको पढ़ने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर उसी के ऊपर आधारित होकर वो क्या करते हैं शेयर्स जो है वो परचेज़ करते हैं कंपनी के और राइट right, इसके लिए प्रॉस्पेक्ट्स में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रू एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए सो so, आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टर्स इशूड बाय अ कंपनी तो कंपनी जो है वो अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टर्स इशू करती हैं तो यहाँ पे चार्ट गिवन है टोटल फाइव टाइप के प्रोस्पेक्टर्स हैं फर्स्ट इज़ अब्रिजड प्रोस्पेक्टर्स देन शेल्फ प्रॉस्पेक्टर्स रेड हीयरिंग प्रोस्पेक्टर्स लेटर ऑफ ऑफर एंड ऑफर लेटर तो ये पांच अलग अलग तरीकों के प्रोस्पेक्टर्स हैं जो कि कंपनी इशू करती है हम एक एक करके सारे प्रोस्पेक्टर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे सो so, सबसे पहले अब्रिज प्रॉस्पेक्ट्स क्या है ये देख लेते हैं इट कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ अ प्रोस्पेक्ट बट इन ब्रीफ तो जो अब्रिज प्रोस्पेक्ट होता है उसके अंदर कंपनी के जो कंटेंट्स होते हैं दैट इज ब्रीफ में सारी की सारी चीज़ें कंपनीज के और शेयर्स के बारे में मैंशन की जाती हैं इट इज़ अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म इशूड बाई द कंपनी वाई ऑफरिंग इट्स सिक्योरिटीज़ तो जब भी कंपनी कोई सिक्योरिटीज शेयर्स जो है वो ऑफर करती है पब्लिक के लिए इशू करती है तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही ये पर्टिकुलर जो प्रॉस्पेक्टर्स है दैट इज अब्रिज प्रॉस्पेक्टर्स ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करके मिलता है अब्रिज प्रॉस्पेक्टर्स इज इशूड ओनली इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर मेड बाय अ कंपनी तो अब्रिज प्रोस्पेक्टर ये ऐसा प्रॉस्पेक्टर्स है जो कंपनी जब पब्लिक ऑफर करती है उस समय अब्रिज प्रोस्पेक्टर्स इशू करती है और राइट नेक्स्ट इज शेल्फ प्रॉस्पेक्टर्स तो शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स क्या है अ पब्लिक कंपनी में रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाई इशूंग सिक्योरिटीज़ एज एन वन इट नीड्स मोर फंड्स तो कोई भी पब्लिक कम्पनी जब उन्हें फ़ंड्स चाहिए होंगे पैसे और बढ़ाने हैं और भी चाहिए पैसे तो वो कंपनी क्या करेगी पब्लिक के लिए इशू करती है शेयर्स या तो फिर सिक्योरिटीज़ जब भी उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है एवरी फॉर एवरी इशू फ्रेश प्रोस्पेक्ट इज़ टू बी इशूड तो जब भी कोई नया शेयर्स जो इशू करती है कम्पनीज नए सिक्योरिटीज़ इशू करती है कॉमन पब्लिक के लिए हर वक्त हर बार उन्हें नया दैट इज़ फ्रेश प्रोस्पेक्ट जो है वो इशू करना पड़ता है हर बार नया प्रोस्पेक्ट उन्हें बनाना पड़ता है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड रजिस्टरिंग प्रोस्पेक्ट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग तो हर बार नया प्रॉस्पेक्ट्स बनाना फ्रेश प्रोस्पेक्ट बनाना ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है दस इंस्टेड ऑफ़ प्रिपेयरिंग फ्रेश प्रोस्पेक्ट फॉर एवरी इशू अ कंपनी कैन प्रिपेयर शेल्फ प्रॉस्पेक्ट्स तो हर बार नया प्रॉस्पेक्ट्स बनाना उसको रजिस्टर करवाना तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है इसके लिए हर बार नया प्रोस्पेक्ट बनाने तो बजाय कंपनी क्या करती है एक प्रोस्पेक्ट बनाती है दैट इज़ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्ट कैन बी इशूड फॉर ऑल इशूज़ मेड बाई अ कंपनी अप टू वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर दैट प्रोस्पेक्ट तो शेल्फ़ प्रोस्पेक्ट ये एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो कि कंपनी इशू करती है जिसके अंदर वन ईयर्स तक का क्या होता है वैलिडिटी होता है मतलब कंपनी ने एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्ट जो है वो इशू किया बना दिया फिर वो जब तक वो बना है उस डेट से लेके कर एक साल तक वो प्रोस्पेक्ट्स कंपनी क्या करेगी चला सकती है तो एक साल के अंदर जितने बार भी कंपनी शेयर्स जो है वो इशू करेगी कॉमन पब्लिक के लिए तो शेल्फ प्रोस्पेक्ट्स का वो यूज़ कर सकती है बार बार उन्हें नया प्रॉस्पेक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और राइट हाव एवर एंड इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज़ टू बी फाइल विद द आर ओ सी एवरी टाइम अ सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ मेड ड्यूरिंग वैलिडिटी पीरियड ऑफ वन ईयर ऑफ द शेल्फ प्रोस्पेक्टस हालांकि जो कंपनी है वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक साल तक यूज कर सकती है एक साल के अंदर उन्हें चार बार पांच बार छह बार जितने बार भी शेयर्स पब्लिकली इशू करना है वो कर सकती है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का यूज़ करके बट जो इन्फॉर्मेशन होती है शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर वो उन्हें हर बार अपडेट करनी पड़ती हैं और जो भी नई इंफॉर्मेशन होती है वो अपडेट करके उन्हें आर के पास जाकर फाइल करनी पड़ती है ये पूरे एक साल के बीच में और राइट नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेन्स लेटेस्ट मटेरियल फैक्ट्स सच एज न्यू चार्जेस क्रिएटेड ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी चेंजेस इन द फिनेंशियल पोजिशन फ्रॉम दैट ऑफ द दक्सीडिंग ऑफर एक्सेट्रा तो ये जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है जो कि हम आर के पास जाकर फाइल करते हैं तो उसके अंदर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होता है दैट इज़ हम शेल्फ प्रोस्पेक्ट एक साल तक यूज़ कर सकते हैं तो एक साल के बीच में हमने चार बार या पांच बार अगर शेयर्स इशू किए हैं तो कंपनी के फिनांशियल पोजीशंस में कुछ चेंजेस आते हैं कंपनी के अंदर कुछ अगर नया रूल चेंजेस हुआ है तो वो सारी चीज़ों का जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो हर बार आर ओ सी दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर हमें फाइल करना पड़ता है और राइट नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर्स तो थर्ड टाइप का प्रोस्पेक्टर्स है हमारा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर्स तो ये क्या है देख लेते हैं अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर्स इज अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टर्स एज इट डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ऑफर्ड और द इशू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज बी ऑफर्ड तो रेड हीयरिंग प्रोस्पेक्ट ये एक ऐसा टाइप का प्रोस्पेक्ट है जो कि इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्ट होता है इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की होती है रिलेटेड टू क्वांटिटीज ऑफ़ सिक्योरिटीज़ मतलब हम कितनी सिक्योरिटीज़ कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं नंबर्स मेंशन नहीं है कि टेन थाउजेंड सिक्योरिटीज़ टेन थाउजेंड शेयर्स हम इशू करेंगे फाइव थाउजेंड इशू करेंगे तो क्वांटिटी नंबर मेंशन नहीं होता है कि हम कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स सिक्योरिटीज़ पब्लिक के लिए इशू कर रहे हैं या तो फिर इशू प्राइस नहीं लिखा होता है कि एक शेयर कितने का है हो सकता है एक शेयर टेन रुपीस का हो ट्वेंटी रुपीस का हो तो जो प्राइस होता है कि पर शेयर कितने का होगा प्राइस मेंशन नहीं होता है तो रेड यरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है वो इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है उसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स क्वान्टिटी नहीं मैंशन की जाती है या तो फिर प्राइज मैंशन नहीं की जा नहीं की हो सकती है इट इज़ यूजली इशूड एट द टाइम ऑफ आई पी ओ और फॉर एनी इशू डन अंडर द बुक बुक बिल्डिंग प्रोसेस तो ये मोस्टली जो रेडियरिंग होता है वो हम कब इशू करते हैं तो कंपनी जब इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इज़ आई जब करती है दैट इज़ जब पहली बार कंपनी अपने शेयर्स जो है अपने कंपनी के शेयर्स जब फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए इशू करती है उस टाइम पे ये रेड हीयरिंग प्रोस्पेक्ट यूज़ कर सकती है और रेड क्योंकि कंपनी पहली बार अपने शेयर्स किसी कॉमन पब्लिक के लिए इशू कर रही है तो उन्हें अंदाजा नहीं होता कि कितने शेयर्स कॉमन पब्लिक जो है वो परचेज़ करेगी तो इसलिए इनिशियल पब्लिक ऑफर के टाइम पे कंपनी रेड हीयरिंग प्रोस्पेक्ट इशू करती है जिसमें कंपनी के शेयर्स की क्वांटिटी या तो फिर उसका प्राइस मेंशन नहीं किया होगा या तो फिर जब कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस करती है उसके अंडर भी कंपनी रेडियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है तो जिस टाइम पे कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स तो कभी कभी कंपनी को पता नहीं होता है कि कितने जो लोग हैं उनकी डिमांड क्या होगी हो सकता है पब्लिक की डिमांड ज़्यादा हो वो ज़्यादा शेयर्स परचेस करना चाहें या तो फिर पब्लिक की डिमांड इतनी ना हो कंपनी के शेयर्स में हो सकता है कम इशू लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो शेयर्स को परचेज करने में तो शेयर पब्लिक की डिमांड के ऊपर सिक्योरिटीज़ के जो प्राइजेस हैं शेयर्स के जो प्राइस है वो पब्लिक की डिमांड के ऊपर कंपनी डिटरमाइन करती है अगर ज़्यादा डिमांड होगा तो हो सकता है शेयर्स के प्राइजेस को थोड़े ज़्यादा रख सकती है कंपनी डिमांड अगर कम है तो शेयर्स के जो प्राइजेस है वो हो सकता है कम रख के तो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर कि कंपनी जो है वो शेयर्स की कितनी प्राइस रखेगी इसके लिए प्राइस जो है वो स्टार्टिंग में ही कंपनी क्या करती है डिसाइड नहीं करके रखती है तो ये होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस ऑल राइट तो आई या तो फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस ये दोनों टाइम में कंपनी रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टर्स इशू करती है ऑल राइट right. और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर्स जो होता है वो इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टर्स होता है ये मेन पॉइंट है इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट का नेक्स्ट इज़ अ रेडियरिंग प्रोस्पेक्ट शाल हैव द सेम ऑब्लीगेशट आर एप्लीकेबल टू प्रॉस्पेक्टर्स तो रेडियरिंग प्रॉस्पेक्टर्स जो है उसके अंदर भी सारी ऑब्लीगेश जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बाकी के प्रोस्पेक्ट में अप्लीकेबल हैं वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन एप्ली जो है वो इस पर्टिकुलर दैट इस रेडियरिंग प्रॉस्पेक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है हालांकि ये इनकम्प्लीट प्रॉस्पेक्टर्स होता है बट सारे रूल्स जो है, होते हैं वो सेम एप्लीकेबल होते हैं रेडियरिंग प्रोस्पेक्टर्स के लिए भी कंपनी मस्ट फाइलियरिंग प्रोस्पेक्टर्स विद आर ओ सी एट लीस्ट थ्री डेज प्रायर टू दी ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड दफर्स तो कंपनी जो है वो रेडियरिंग प्रोस्पेक्टर्स आर ओ सी दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर फाइल कर सकती हैं एट लीस्ट थ्री डेज प्रायर मतलब तीन दिन पहले उन्हें ये रेडियरिंग प्रोस्पेक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके फाइल करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन लिस्ट या ऑफर ओपन होने के पहले और राइट नेक्स्ट इज लेटर ऑफ ऑफर तो अब ये लेटर ऑफ ऑफर क्या है देख लेते हैं वैन अ कंपनी अंडरटेक्स फर्दर इशू ऑफ शेयर्स बाय मेकिंग अ राइट इशू दैट इज ऑफरिंग शेयर्स डायरेक्टली टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू द शेयर्स हेल्प बाय देम द कंपनी इशू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज लेटर ऑफ ऑफर इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ द ऑफर तो लेटर ऑफ ऑफर ये फोर्थ टाइप का प्रोस्पेक्टर्स होता है मोस्टली जो कंपनी है वो राइट राइट इशू जब करती है उस समय ये पर्टिकुलर जो होता है लेटर ऑफ ऑफ़र ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है तो जो राइट right इशू क्या होता है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो कंपनी के अंदर पहले से ही जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं और वो शेयर होल्डर्स हैं पहले से उन्हीं के लिए कंपनी क्या करती है फिर से जो शेयर्स इशू करनी होते हैं तो उनके लिए वो क्या करती है डायरेक्टली शेयर्स उन्हीं को देती है जो पहले से ही शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के तो उसे हम बोलते हैं राइट इशू तो इस टाइम पर कंपनी लेटर ऑफ उफ ऑफ़र जो है ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर टाइप का प्रोस्पेक्टर्स इशू करती है अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए जितना उन्होंने शेयर्स परचेज किया है उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रपोर्शन में कंपनी शेयर्स क्या करती है देती है या तो फिर इशू कर सकती है उन पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए तो उसके अंदर लेटर ऑफ उफ ऑफ़र के अंदर क्या होगा तो जितने भी डिटेल्स होते हैं रिलेटेड टू शेयर्स ये सारे डिटेल्स कंटेन हो मैंशन किए जाते हैं लेटर ऑफ ऑफ़र में और राइट तो लेटर ऑफ ऑफर जो होता है वो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं के लिए मोस्टली कंपनी ये लेटर ऑफ ऑफ़र इशू करती है जब राइट right इशू ये जो राइट right इशू है ये शेयर जब करती है कंपनी तो लेटर ऑफ ऑफ़र मोस्टली कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ही देती है जिसमें शेयर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंशन की जाती है नेक्स्ट इज़ ऑफ़र लेटर तो ऑफ़र लेटर क्या है एंड ऑफर लेटर इज़ इशू टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स बाई अ कंपनी वेन इट मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज़ तो ऑफ़र लेटर जो होता है वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए किया जाता है जब कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके अंदर भी एक सिलेक्टेड ग्रुप सिर्फ कंपनी एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स को लिए एक शेयर जब इशू करती है तो उन्हें हम ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं जिसमें कंपनी के बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मैंशन किए जाते हैं शेयर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स मेंशन की जाती है उस पर्टिकुलर ऑफर लेटर में तो कंपनी क्या करती है प्राइवेट प्लेसमेंट करती है मतलब एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ही कंपनी शेयर्स इशू करेगी प्राइवेट प्लेसमेंट मींस व्हेन अ कंपनी इज ऑफरिंग इट्स शेयर्स टू एनी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है जब कंपनी सिर्फ एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स के लिए शेयर्स इशू करती है तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट तो उन्हें हम ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करते हैं तो लेटर ऑफ ऑफ़र और ऑफ़र लेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है लेटर ऑफ ऑफ़र जो होता है जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स को हम शेयर्स क्या करते हैं इशू कर सकते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें शेयर्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं तो उन्हें हम लेटर ऑफ ऑफर देते हैं और ऑफ़र लेटर में हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ़ इन्वेस्टर्स दैट इज शेयर होल्डर्स को हम क्या करते हैं शेयर्स इशू करते हैं तो उसे हम ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं तो ये डिफरेंस है लेटर ऑफ ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सभी के लिए होता है और ऑफर लेटर कंपनी सिर्फ एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए इशू करती है उन्हें हम बोलते हैं ऑफर लेटर और राइट सो ये यहाँ पे हमारे जो फाइव अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टर्स थे वो कंप्लीट हुए आई होप आपको प्रोस्पेक्टर्स का जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोस्पेक्टर्स होते हैं ये पूरा समझ में आया होगा तो इस वीडियो में हमने प्रोस्पेक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें हमने मीनिंग देखा प्रोस्पेक्टर्स का डेफिनेशन देखा कि प्रॉस्पेक्टर्स क्या है एंड हमने फाइव अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टर्स के बारे में स्टडी किया आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा नेक्स्ट जो है कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टर्स वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर लेंगे और सो थैंक यू फॉर यर टाइम